तंबी। क्या पंकज साहब, कितना टाइम लगा है दरवाजा खोलने में? कब से खटखटा रहा है तू? 10 मिनट से। लो अब तो चाय भी ठंडी हो गएगी। सॉरी तंबी, मैं एक अजीब सा सपना देख रहा था। मैं सचमुच डर गया था। मैं दीदी के घर गया। मेरे जीजा पुलिस ऑफिसर हैं। हाय स्ट्रेंजर। तो हमें भूल ही गए साले। तुम्हें कैसे भूल जाएं, ब्रदर इन लॉ एंड ऑर्डर। यार
यार आशीष, कल रात मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा यार। मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े बंगलों में हूँ। उस बंगलों में एक आदमी और एक औरत थी। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे ये बहुत गुस्सा आया। और तू बिलीव नहीं करेगा, मैंने उस आदमी के सीने में एक चाकू घोंप दिया यार, और वो वहीं मर के ढेर हो गया। सपने में? हाँ, और उसके बाद वो औरत चीखी और वहाँ से भाग गई। मैंने उस आदमी के लाश को उठाया, उसको एक अलमीरा में डाला, उसको लॉक किया और चाबी जो है अपने जेब में डाल ली मैंने। हाँ, एक और बात है, झगड़े के दौरान उस आदमी के कमीज का एक बटन मेरे हाथ में आ गया। फिर क्या? फिर मैं जग गया। स्ट्रेंज ड्रीम यार। मैंने उन दोनों को देखा तक नहीं है, लेकिन मुझे उनका चेहरा याद है। सपना ही था ना, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये बटन और ये चाबी। आज सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मेरे पैंट के जेब में मुझे ये दोनों चीजें मिली। ये वही चाबी और बटन है जो मैंने सपने में देखा था। कल रात सोने से पहले कितने पैक पी गए थे? नहीं, मैंने नहीं पिए यार, आई डिडंट टच अ ड्रॉप। तो पिए बगैर ही चढ़ गई? या तुझे लग रहा मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ आशीष, मैं सच कह रहा हूँ यार। मैंने सपने में एक आदमी का कत्ल किया, उसे कबर्ड में डाल के लॉक किया, और ये चाबी उसी कबर्ड की चाबी है यार। ए, पुलिस वाले से पंगा मत ले, मेरा साला है, वरना आज रात ही तुझे लॉकअप में बंद कर देता। यार तू मजाक कर रहा है? मैं यहाँ पे पागल हो रहा हूँ यार। I need an explanation, damn it. I need to know where did this bloody key come from. पंकज, तू ठीक तो है ना? तुम जानते हो ना, तुम्हारी कहानी का कोई लॉजिक नहीं है। ये चाबी, ये बटन हो सकता है ये चाबी तुम्हारी किसी अलमारी की हो सकता है ये बटन तुम्हारी किसी कमीज का हो। ठीक से याद कर। आज सुबह से याद कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, माना कि ये बटन लॉन्ड्री वाले ने गलती से मेरे पैंट के साथ दे दिया, लेकिन ये चाबी, ये मेरे होटल की चाबी नहीं है, मेरे ऑफिस की चाबी नहीं है, दिल्ली वाले घर की चाबी नहीं है। जरा इसके की चेन को देख, इसे मैं भूल सकता हूँ। एक और बात, सपने में मैंने देखा था कि उस औरत ने मेरे दाएं हाथ में काटा था। सुबह जब मैंने अपना हाथ देखा, तो वहां उस औरत के दांत के निशान थे। तू देख, देख, देख। अब नहीं है ये मस... नहीं, 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 सपने ज्यादातर अजीब ही होते हैं। मैंने एक सपना देखा था ना, मैंने देखा था कि मैं ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूं, और जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, मैं सीट पर बैठने जा रहा था, तो मैंने देखा कि मैं पूरी तरह नंगा हूं। ट्रेन चल पड़ी और मैं टेंशन में कि अब मतलब लोग क्या कहेंगे, पब्लिक क्या कहेगी, टीसी क्या कहेगा। मैं ट्रेन से कूदने ही वाला था, नींद से जाग गया। ठीक है, तू मेरी बातों को बिलीव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो और क्या करूं? तू सपने में किसी का मर्डर किया, उसके लिए तुझे अरेस्ट करो। आशीष के लिए ये एक मजाक था। उसने कहा कि जानकी को मत बोलना, नहीं तो वो समझेगी मैं पागल हूं। मैं सच में पागल हूं कहा था। उस रात का सपना, सपने में लोग, घर, सब। मैंने अखबार में इश्तिहार किया, वांटेड, एक बंगलो जिसमें बेडरूम लेफ्ट की तरफ हो, बेडरूम में दो पिलर्स हो, बाहर एक बड़ी अलमीरा हो। देखिए मुझे, हाँ, वो घर चाहिए जिसमें बाहर यानी कि मेन एंट्रेंस में दो तीन पिलर्स होने चाहिए। नहीं नहीं मिस्टर थरानी, मुझे कुछ बनवाना नहीं है, आई नीड दैट रेडीमेड। आशीष ने भी ऐड पढ़ा और बहुत गुस्सा हुआ। बेवकूफ, इडियट, क्रैकपॉट, पागल और गाली दी। चाबी दे दो मेरे पास। क्यों मेरे की? और सुनो, जब तक तुम्हें याद नहीं आता ये चाबी तुम्हारे किस कबर्ड की है, कहाँ की है, ये चाबी अब मेरे पास है। इज दैट क्लियर? अगले दिन वो यार पंकज, तुम्हें ड्राइविंग आती तो हम लोग तीन दिन की छुट्टी लेकर गोवा ही चले जाते यार।
ड्राइविंग क्यों नहीं सीख लेते पंकज? दिल्ली में ड्राइव करना आसान थोड़ी है, बहुत ट्रैफिक होता है और मैं इतना सोचने लगता हूँ ना सड़कों में, मुझे डर लगता है कि कभी किसी को ठोक दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा सुनो, एक बार एक मलयाली, एक गुजराती, एक सरदार जी और एक दिल्ली वाला नहीं है, दिल्ली वाला नहीं, दिल्ली वाला नहीं। मुझे मजा आ रहा था, हालांकि उस रात के भयानक सपने को मैं पूरी तरह से भूल नहीं पाया था, लेकिन मैंने तय कर दिया था कि उसके बारे में ज्यादा सोचूंगा नहीं। घूमते घूमते शाम हुई, हम कहीं खो गए थे। आशीष को अर्जेंट फोन करना था। तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, मुझे ये घर अच्छी तरह से याद है, पिछले एक घंटे से हम यही गोल गोल घूम रहे हैं। पता है वो टर्न कहीं पीछे रह गया, ये कच्चा रास्ता पता नहीं अब हाईवे की तरफ जाएगा भी कि नहीं, यहाँ पर इस तरफ तो जंगल है पूरा, मुझे वो शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। चलो चलो पंकज, इधर से हमें आगे जाना चाहिए। यहाँ तो आगे कच्चा रास्ता भी नहीं है। यहाँ से जाएंगे तो एक रास्ता मिलेगा। तुम्हें कैसे मालूम? तुम यहाँ कभी आए हो क्या? नहीं। पंकज तुम्हें बॉम्बे की सड़कें ठीक से नहीं मालूम, यहाँ के बारे में तुम्हें क्या मालूम? तुम्हें वापस आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ यहाँ से अगर आगे जाएंगे तो हमें 2-4 मिनट में एक लोहे का गेट मिलेगा, उस गेट के पीछे कुछ नारियल के पेड़ होंगे, उन पेड़ों के पीछे एक घर होगा। गेस किया था। Can you guess something like this? रास्ते में गुजरते हुए देख लिया होगा उसने। पर हम तो इस रास्ते से गुजरे ही नहीं ना। इसका डायरेक्शन सही था। अरे यार घर तो मिला जहाँ से हम फोन कर सकते। लगता है अंदर कोई नहीं है। बस कोई माली भी नहीं दिखा रहा। कमले के नीचे चाबी हो। तुम्हें कैसे मालूम? I don't know. I don't know का क्या मतलब? कोई खेल खेल रहा हो पंकज? ना, लेकिन चाबी मिल गई गमले के नीचे। पर ये तो कानून गलत है। Come on यार, I'm a cop. और फोन ही तो करने जा रहे हैं और क्या है? अच्छा लिसन, तुम बाहर ही खड़ी रहो, सबका अंदर जाना अच्छा नहीं है। पंकज तुम आओ। ठीक है, मैं कार में तुम लोग का इंतजार करती हूँ। ओके। जल्दी आना। या। मैंने जानकी के सामने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि ये घर यहाँ पर है और फलाने जगह पर इसकी चाबी रखी जाती है? हाँ, सच क्या है पंकज? पंकज, पंकज?
इस थाने की चाबी होगी। ये तो खाली है। यहां पर सूखे हुए खून के धब्बे हैं। लगता है कि पूरी तरह जख्मी आदमी को यहां अंदर रखा गया है। निशानों से लगता है कि खून काफी बह गया होगा। चाबी रखते हैं सब मालूम है, यहाँ के मोड़ मालूम है, ये कबर्ड मालूम है, सब मालूम है तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने ये सब कुछ सपने में देखा था। मैंने कई ऐसे क्रिमिनल देखे हैं जो क्राइम करने के बाद कबूल करते हैं। ऐसे भी क्रिमिनल्स देखे हैं जो क्राइम करने के बाद कबूल नहीं करते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। मेरे ही घर उस दिन आए थे मुझसे मदद मांगने, ये झूठ बोलकर कि तुमने ये सब सपने में देखा है, मुझसे सिंपैथी ले रहे थे। बताओ अब तो उगलो, क्या हुआ है, किसका मर्डर हुआ है, किसे मारा है तुम? I don't know. देखो अब इस वक्त तुम भूल जाओ, इस वक्त भूल जाओ कि तुम्हारी बहन से मेरी शादी हुई है। मैं ये पुलिस अफसर हूँ इस वक्त बताओ मुझे उगलवाना आता है, अच्छी तरह आता है पंकज? मुझे बता दो, I'll make your life miserable otherwise. मुझे बता दो अभी। आशीष, मैंने सपना देखा था। अब ये बेतुकी बात की ना, मैं सर फोड़ दूंगा। कौन हो तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो? ये क्राइम ब्रांच बॉम्बे, मैं सब इंस्पेक्टर कुलकर्णी, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़। हेलो सर। हेलो। यहां से गुजर रहा था, लाइट देखी। आप लोग अंदर कैसे आए? वो हमें एक अर्जेंट कॉल करना था, वो गमले के नीचे हमें चाबी मिल गई तो अंदर आ गए हम लोग। बाहर गाड़ी में एक औरत, कौन है वो? शी इज माय वाइफ। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम सर। मैं जब आ रहा था तो मुझे लगा आपकी आवाज़ों से कि कुछ नहीं, वो बस हम दोनों में बहस हो रही थी कि वापसी में ड्राइव कौन करेगा, दैट्स ऑल। मैं समझा कोई चोर उचक्का घुसा है। वैसे सर ये बंगला मेरी निगरानी में है, शायद आप नहीं जानते पिछले हफ्ते यहाँ खून हुआ है। कैसे? 19 तारीख पिछले सोमवार की रात। सोमवार की रात, मतलब जब मैं सपना देख रहा था उस वक्त इस घर में सचमुच खून हो रहा था? ये बंगला डायमंड बिजनेसमैन मिस्टर राजदीप देसाई का है। ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। ये बंगला उनके कई घरों में से एक है। उनकी पत्नी मीनल देसाई कभी कभी छुट्टियों में यहाँ आती थी। पिछले हफ्ते 20 तारीख की सुबह मिनल देसाई की बॉडी बुरी तरह जख्मी हालत में मिली। किसी गाड़ी ने उन्हें बुरी तरीके से कुचल दिया था, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी। यहां से थोड़ी दूर पर हमें वो गाड़ी मिली जिससे मिनल देसाई का एक्सीडेंट किया गया था। यह गाड़ी आलोक त्रिवेदी की थी जो मिस्टर देसाई के दोस्त हैं। गाड़ी के पहिया और फेंडर से हमें कुछ ब्लड मार्क और बाल मिले जो मिनल देसाई से मैच करते थे। मैं यहाँ मिस्टर देसाई से मिलने आया लेकिन वो यहाँ थे नहीं। उनके बेडरूम में जो सेफ था वो फोड़ा हुआ मिला। ये जाहिर था कि उस रात आलोक त्रिवेदी चोरी करने के इरादे से मिस्टर देसाई के घर गया था। मिसेस देसाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया होगा और अपने बचाव में उसने मिसेस देसाई पे अटैक किया होगा। हमने मिस्टर देसाई को कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश की लेकिन उस वक्त वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे और उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास था नहीं। हमें पूरा यकीन था कि हम आलोक त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लेंगे लेकिन
उसी दिन दोपहर को कुछ देर के लिए मिसेस देसाई को होश आया। आलोक, आलोक ठीक है? उसने आलोक को मारा नहीं। कौन? किसने मारा आलोक को? मैं नहीं जानती। वो रात को कमरे में आया था। उसके हाथ में चाकू था, उसने आलोक को चाकू से मारा और मैं भाग गई। मिसेस देसाई, आलोक कहाँ है? प्लीज प्लीज बताइए, आलोक कहाँ है? मिसेस देसाई, मैं फौरन उस बंगले पे गया, आलोक को ढूंढा। उसकी लाश मुझे एक अलमारी में मिली। पिछली रात किसी ने उसका खून कर दिया था। किसने? मिसेस देसाई ने मरने से पहले हमें उस आदमी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। उनका बयान हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं ये बयान देखना चाहता हूँ। श्योर सर। अकॉर्डिंग टू मिसेस देसाई, खूनी की उम्र तकरीबन 27 साल, उसका रंग सांवला, छोटे काले बाल और उसकी आंखों से लगता था कि वो मेंटली अनबैलेंस। उसने एक नीले रंग का चेक शर्ट और डार्क के कलर का पैंट पहना हुआ था। और एक खास बात यह है सर कि उसके हाथ में एक काले पट्टे वाले घड़ी थी जिसका डायल काफी कलरफुल था। आपके पास इनके फोटोग्राफ्स हैं? ये रहे। एक शब्द नहीं, not a word. Is he all right? हाँ हाँ, बस उसकी तबीयत जरा खराब है। Have some water. चलिए सर, मैं आपको बंगले तक छोड़ दूँ। तो अब तक तुम मुझे ही बेवकूफ बना रहे थे। अगर तुम जानकी के भाई नहीं होते ना, मैं उसी वक्त कुलकर्णी के हवाले कर देता तुम्हें। मैं तुम्हें एक घंटा दे रहा हूँ, एक घंटे के अंदर यहां से निकल जाओ। उसके बाद मैं पुलिस को बता दूंगा कि मीनल देसाई और आलोक त्रिवेदी के कातिल तुम हो। यू अंडरस्टैंड? अब भी कुछ नहीं कहना है तुम्हें? अब तो कम आउट डैम इट। अरे तुम्हारी बहन को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा तुम जान? Anyway, this is not your problem, this is my problem. You just get out of here. Ek ghante ke andar yahan se nikal jao, samjhe? Just get out from here. सुनो, उस आखिरी वाले कमरे की स्पेयर चाबी है तुम्हारे पास? पंकज!
पंकज, पंकज ये क्या किया तुमने? मेरे नाकाम सुसाइड अटेम्प्ट के बाद आशीष को यकीन हो गया कि मैं निर्दोष हूँ। पुलिस वाला था, बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछता था कि उस रात क्या हुआ, उस रात क्या हुआ। मुझे दोबारा बताओ पंकज, आई नीड टू नो ऑल द डिटेल्स। मुझे दोबारा बताओ उस रात क्या हुआ था। फिर सुबह हो गई, मैं जग गया। उसके बाद तो तुम जानते हो आशीष। नहीं नहीं पंकज, तुम कुछ भूल रहे हो। यू मिसिंग समथिंग। यहाँ से 50 मील की दूरी पर एक हादसा होता है और वो तुम्हारे सपने में आता है। और तुम्हें कोई नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है, और होती भी तो इतना लंबा कोई कैसे जाता। मैं थक गया था। धीरे धीरे आशीष भी इस उलझन को लेकर मेरी तरह पागल हो रहा था। छोटे अस्पतालों में यही एक प्रॉब्लम होता है, लाइट जाती रहती है यहाँ की। उस रात को भी लाइट चली गई थी। किस रात? वही रात जिस दिन मैंने सपना देखा था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम लाइट बंद करके सो गए थे। हाँ, पर थोड़ी देर बाद मेरे बगल वाले रूम के गेस्ट मिस्टर लोगों ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था, ये चेक करने के लिए कि मेरे कमरे में भी लाइट गई है कि नहीं। क्यों, तुम्हें क्यों जगाया? उसने रूम सर्विस को फ़ोन क्यों नहीं किया? अरे तो क्या हुआ, मेरे बगल वाले कमरे में रहता है, मुझे जगाया तो क्या हुआ। नहीं पंकज, मुझे इस इंसिडेंट के बारे में मुझे दोबारा बताओ, डिटेल में बताओ, प्लीज़ डिटेल में बताओ इसके बारे में। मैं लाइट ऑफ करके लेट गया। सॉरी टू बदर यू मैन पंकज, इन माय रूम वो लाइट चली गई है। तुम्हारे रूम में लाइट आ रही है? जस्ट चेक इट प्लीज मैन। ठीक है, चेक करता हूँ। आओ। आइए मिस्टर लोगो, आइए। सॉरी, ये होटल रूम में ऑलवेज द सेम प्रॉब्लम, लाइट का कोई भरोसा नहीं। अरे आपने तो बिल्कुल सही कहा मिस्टर लोगो, लाइट तो है ही नहीं। देखा, एनीवे सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं नहीं नहीं, अरे आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं ठीक हूँ। तुम थके हुए लग रहे हो। उसके बाद मैं थक गया था और मैं सो गया। और लोगो? लोगो चला गया अपने कमरे में। आयुषो वो चला गया? हाँ, वो तो लाइट चेक करने आया था, चेक करके चला गया। पंकज तुमने कहा कि उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी, उसने कैसे पकड़ी थी? अरे आंखों के सामने पकड़ा था मेरे। और उसने तुमसे कहा सो जाने के लिए? हाँ, उसको लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए उसने मुझे सो जाने के लिए कहा। अच्छा, लेकिन इसका इन सब से क्या मतलब है? ये लोबो है कौन? अरे मेरी तरह होटल का एक और गेस्ट है, 10-12 दिन से रह रहा था वो उस होटल में। हाँ, मुझे एक बात बताओ पंकज, तुम्हें कभी भी उसके रहते हुए ऐसा लगता था कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन तुम कर रहे हो? ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, एक बार मैंने 3-4 ग्लास लस्सी पी ली थी उसके कहने पर। तुम तो जानते हो कि मुझे दही और लस्सी एकदम पसंद नहीं है। Oh, testing your willpower to see how much weak you are. Hi, Pankaj. Hi. Pankaj, तुम इस आदमी को जानते हो? Of course, ये तो लोबो है। नहीं, ये राजदीप देसाई है। What? और ये है उसकी बीवी मिनल देसाई। क्या बात कर रहे हो? ये तस्वीर मुझे उनके बंगले से मिली है।
पंकज देयर इज अ बैड न्यूज लेकिन कभी ना कभी बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। बात क्या है? 19 तारीख की रात को आलोक त्रिवेदी का कत्ल तुमने किया है और उसमें कोई शक नहीं है और ये बात सिर्फ मिसेस देसाई के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं है। मैंने खुद तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स और कुलकर्णी को मिले हुए फिंगरप्रिंट्स टैली किए हैं और दोनों भी मैच करते हैं। लेकिन तुमने मीनल देसाई का कत्ल नहीं किया क्योंकि मीनल देसाई को गाड़ी से कुचला गया और तुम ड्राइविंग नहीं जानते और आलोक भी उसे नहीं मार सकता था क्योंकि वो तो पहले ही मर चुका था। इसका मतलब है कोई तीसरा है। ये वही है जो तुम्हें बंगले पर ले गया है और तुमसे ये सब करवाया है। मुझे कोई बंगले पे ले गया है? मैंने किसी का खून किया? मुझे पता नहीं, क्या कह रहे हो? देखो ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी मेरे पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं है और ये सब साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस बात को हमें दोबारा दोहराना पड़ेगा। तुम यहां कैसे? तुमने तो मुझको रास्ता दिखाया था, भूल गए? तुम्हें रास्ता याद है? नामुमकिन। फिर मैं यहां कैसे पहुंचा तुम्हें बताओ। तुम्हें और क्या याद है? मुझे सब कुछ याद है। असंभव। तुम तो मेरी मुट्ठी में थे। मेरी मुट्ठी में एक सेफ्टी पिन था जिसके चुभने से मुझ पर तुम्हारा कोई असर नहीं हुआ। यानी कि तुमने सब कुछ पूरे होश और हवास में किया? पर क्यों? ताकि मैं तुमसे कुछ फायदा लूट सकूं। ये नहीं हो सकता। तुम थके हुए लग रहे हो। नहीं नहीं मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं किताब पढ़ रहा था। नहीं नहीं तुम थके हुए लग रहे हो। नहीं 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 मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, मैं बस सोने की तैयारी कर रहा था। आर यू श्योर तुम थके हुए नहीं हो? नहीं मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। नहीं तुम वाकई में थके हुए लग रहे हो, तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही है, लेट जाओ। लेट जाओ। बंद कर दो तुम्हारी आंखें। अब मैं जो भी कहूंगा तुम करोगे। खोलो अपनी आंखें। बंद कर दो अपनी आंखें। अब मैं जो कहूंगा तुम करोगे। खोलो अपनी आंखें। बैठ जाओ। अब हमें बहुत काम करना है।
अब तुम उठकर अपने कपड़े पहनोगे और मेरे साथ चलोगे। तुम बंगले की तरफ जाओगे। बंगले के दरवाजे के बाहर एक गमला होगा जिसके नीचे तुम्हें बंगले की चाबी मिलेगी। बिना कोई आवाज किए तुम दरवाजा खोलोगे और सीधे अंदर जाओगे। एक कांच के दरवाजे के बाद तुम बाएं मुड़ोगे, वहां एक और बेडरूम का दरवाजा होगा। तुम उसके अंदर जाओगे, वहां एक आदमी और औरत होंगे। ये चाकू पकड़ो। तुम इस चाकू से दोनों को मार डालोगे, जान से मार डालोगे। बेडरूम के बाहर एक अलमीरा होगा, तुम उन दोनों की लाश वहां छुपाओगे। फिर जैसे तुम अंदर गए वैसे ही वापस बाहर आओगे, सीधे यहां आओगे और गाड़ी में बैठ जाओगे। समझे? अब अपनी आंखें बंद करो। तुमने जो भी किया, जो भी हुआ, सब भूल जाओगे एक सपने की तरह। तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। पर मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तुमने ये सब होश हवास में किया। तुम्हारा यकीन सही है, मैंने ये सब कुछ होश हवास में नहीं किया। वो तो मैं तुम्हें यूं ही कह रहा था ताकि मुझे सच्चाई पता चल सके। तुमने मुझसे एक खून अनजाने में करवाया ना, अब मैं एक खून जानबूझकर करने वाला हूं। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या चाहते हो? दौलत चाहते हो ना? ये देखो मैं तुम्हें दौलत देता हूँ। ये घड़ी देखो, सोने की घड़ी है। कितनी अच्छी घड़ी है ना? देखो ये घड़ी बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। हाँ तुम थक गए हो, बहुत थक गए हो। छोड़ दो इस पिस्तौल को, बहुत
बहुत भारी हो गई है, छोड़ दो उसे, बहुत भारी है, छोड़ दो, वेरी गुड। हाँ बहुत थक गए हो, बहुत थक गए हो। Come on, let's go, let's go. राइटिंग है। मैंने आलोक त्रिवेदी और मीनल देसाई का खून किया है। पुलिस मेरे बारे में जानती है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, और इस बार तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। अब यह पिस्तौल भारी नहीं है, उसे उठाओ, अपनी कनपट्टी पे लगाओ, उंगली ट्रिगर पर लगाओ, और अब ठीक हो ना तुम? एक बुरे सपने की तरह मैं सब कुछ भूलना चाहता था। Anyway, it's all over, Pankaj. अब यहाँ से सीधे घर चलते हैं, तुम्हारा होटल में जाकर सामान पैक करते हैं और घर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दीदी को पता चलेगा तो मेरा तो दिमाग चाटेगी, तुम्हारा भी दिमाग खराब कर देगी। दीदी को कुछ नहीं मालूम है, तुम सीधे घर चल रहे हो बस। अरे भाई मैं जरा शहर में काम से आया हूँ, जरा काम वाम खत्म करने दो। पंकज समझ जाओ यार। पंकज तुम सीधे घर चलो। मदर-इन-लॉ तुम चोरों की पिटाई कर सकते हो, पर मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। नहीं हुए? क्या करें?